ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बुधवार को चैत्र नवरात्र महापर्व का आरंभ हो चुका है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन नए वर्ष की शुरुआत होती है। पूरे देश में इस दिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस पावन पर्व पर सुप्रसिद्ध बिरासिनी देवी मंदिर में तहसीलदार द्वारा घट स्थापना व कलश स्थापना की गई। बता दें, इस मंदिर से हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते भक्तगण माता रानी के दर्शन से वंचित हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु मंदिर तो पहुंचे, लेकिन गेट से ही उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। बता दें, मंदिर के पट विगत कई दिनों से बंद है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। इसके चलते मीडिया को भी मंदिर में कवरेज से दूर रखा गया। शहर में पूरी तरह से शासन प्रशासन के निर्देशों का अधिकांशतः पालन हो रहा है, और क्योंकि इस बीच में नवरात्रि का महापर्व जो उससे नगर की पहचान है वो भी पड़ रहा है, लेकिन शासन के और प्रशासन के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार कल रात्र 12 बजे से जो लॉकडाउन घोषित किया गया है उसका प्रभाव नवरात्रि पर्व पर भी देखने को मिल रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा भी जो संचालन समिति है उनके माध्यम से मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं। केवल बाहर से दर्शन करने की सुविधा दर्शनार्थियों को उपलब्ध है, और आज प्रशासनिक समिति द्वारा घट स्थापना करके नवरात्रि पर्व का शुभारंभ किया गया है। JSR टाइम्स के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।